प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने महिलाओं को खास देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें डॉक्टर न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारे फलों का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ सब्जियां खाना आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत बुरी भी हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको ये बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी में कौन सी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ज्यादातर महिलाओं को ये मालूम ही नहीं होता है कि कंसीव करने के बाद कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए और कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ सब्जियों और फलों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी सब्जियां हमें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली सब्जी है बैगन। इसमें वैसे कई सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को बैगन खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये शरीर में गर्मी को पैदा करती है और ये एसिडिक भी होता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। बैगन में ऐसी क्वालिटीज पाई जाती हैं जो आपके पीरियड को लाने में आपकी हेल्प कर सकती है। इसी कारण इसे प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मिसकैरेज या फिर आपकी बॉडी में खतरनाक खुजली भी हो सकती है। इसके अलावा स्प्राउट यानी कि अंकुरित अनाज, लोग अपनी डाइट में पतले होने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अंकुरित अनाज में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और एकोली जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे प्रेग्नेंट महिला या फिर उसके होने वाले बेबी को इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं को मिसकैरेज और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। वैसे आम महिलाओं के मुकाबले प्रेग्नेंट महिला का शरीर बहुत ही जल्दी किसी भी बीमारी का शिकार हो जाता है, इसलिए आपको पत्ता गोभी भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी को कई सारे केमिकल्स से उगाया जाता है और ये केमिकल्स का असर पत्ता गोभी में पकाने के बाद भी रह जाता है, जिससे प्रेग्नेंट महिलाओं को और पेट में पल रहे शिशु को इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर भी पत्ता गोभी खाने से साफ मना कर देते हैं। इसके अलावा करेला, जहां पेट में शिशु के विकास में मदद करता है, वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को करेला एक लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि करेले के बीज में वेकाइन नाम का केमिकल पाया जाता है जो प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट में पल रहे बेबी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी में करेले के बीज को खाने से प्रेग्नेंट महिला को जी मचलाना, खून की कमी, बुखार, अपच और मिसकैरेज भी हो सकता है, इसलिए हो सके तो प्रेगनेंसी में आपको करेला खाने से बचना चाहिए। और अदरक प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा उपयोगी सब्जियों में से ही एक मानी जाती है, क्योंकि अदरक का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को कम करने में आपके लिए हेल्प करता है। लेकिन अगर अदरक का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में ज्यादा मात्रा में किया जाए तो इससे प्रेग्नेंट महिलाओं को मिसकैरेज भी हो सकता है। खासकर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक अदरक का इस्तेमाल आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्ते के फायदे बहुत सारे होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में भी प्रेग्नेंट महिलाओं को तुलसी का पत्ता खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन तुलसी के पत्ते में यूजन ऑयल की मात्रा ज्यादा होने के कारण प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी में ज्यादा मात्रा में तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकते हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं को मिसकैरेज तक हो सकता है। साथ ही साथ पपीता तो फल और सब्जी दोनों में ही खाया जाता है, कभी इसकी सब्जी बनाकर तो कभी इसको कच्चा। इसमें कई सारे न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को कच्चा पपीता खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि पपीते में पाए जाने वाला लेटेक्स प्रेग्नेंट महिला के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे प्रेग्नेंट महिलाओं को मिसकैरेज तक हो जाता है। इसलिए पपीते का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पपीते के सेवन से आपको बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रेग्नेंसी के दौरान अनानास का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि प्रेगनेंसी में अनानास का इस्तेमाल कमर दर्द, प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी और मिसकैरेज का कारण बन सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को अनानास से दूरी बनाकर रखने की ही सलाह देते हैं। साथ ही डॉक्टर्स के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं को तीसरी तिमाही में अंगूर का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके पीछे इसमें मौजूद रेस्वेराट्रोल नाम के एलिमेंट को जिम्मेदार बताया जाता है, क्योंकि रेस्वेराट्रोल में एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज होती है
जो माँ से बच्चे में होने वाले खून के फ्लो में रुकावट पैदा कर देता है, जिससे पेट में बच्चे के विकास में भी रुकावट आ सकती है। इसलिए आप प्रेगनेंसी में इन सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।